अगर किसी नेता के घर में अगर कोई कार्यकर्ता काम करता है तो उसका स्वार्थ होता है, किसी सेठ के घर में अगर कोई कार्यकर्ता कार्य करता है तो उसका स्वार्थ होता है। पर शिव महापुराण की जो कथा होती है इसमें जितने कार्यकर्ता सेवा करते हैं इनका कोई स्वार्थ नहीं होता, इनका केवल भक्ति का स्वार्थ होता है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल देवाधिदेव महादेव से मतलब है, भगवान शिव की अविरल भक्ति से मतलब है, भगवान शंकर के गुणगान से मतलब है। स्वार्थ रखकर अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलती भी नहीं। स्वार्थ से हटकर हम जब भगवान का भजन करें, स्वार्थ से हटकर जब हम भगवत कीर्तन करें तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा हमको मिलता ही है। आज हम आशीष से कह रहे थे इतनी रात भर जलवृष्टि हुई है, दिन भर पानी गिरा है, कल कथा पूरी होने के बाद जो पानी चालू हुआ तो सुबह आप आए होंगे जब तक पानी गिर रहा होगा, इतना जल पूरे पंडाल में भी भराया जहाँ जहाँ। अब भूमि तो भूमि है, ऊपर का पानी रोक सकते हो, नीचे का थोड़ी ना रोकोगे, भूमि तो भूमि। पर पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया है, जो तुम पानी नहीं देखते, हवा नहीं देखते, अपनी पन्नी और छाता उठाए और कथा में चल दिए। ये शिव की कृपा है, ये देवाधिदेव महादेव की करुणा है, ये उनकी उदारता है। कथा का नाम है कांवड़ शिव महापुराण की कथा। तुम भले कांवड़ लेकर मत जाओ पर कथा तुमको पूरी की पूरी वैसी ही लगेगी कि सावन के महीने में जैसे कांवड़िया कांवड़ लेके शंकर जी के मंदिर जाते हैं, तुम भी यहाँ आओगे तो तुम्हें कीचड़, पानी, कपड़े गीले हो रहे, कीचड़ में हो रहे, लथपथ हो रहे, और तब तुम कथा में पहुंचोगे और कथा से वापस जाओगे तो ऐसी थकान होगी जैसे कांवड़ लेकर गए थे और कांवड़ छोड़कर आ रहे। इसका नाम ही कांवड़ शिव महापुराण की कथा। और इस कथा के माध्यम से हमने कल कथा में जाना त्रिजटा का चरित्र, जिसने राक्षसी होकर भी भगवान शिव का धाम काशी पाया। भगवान शंकर उघड़ी का धाम काशी प्राप्त करा। हमने त्रिजटा का चरित्र कल सुना, हमने नंदनार का चरित्र श्रवण करा, जिसमें वो शिव जी का दर्शन करने जाता है तो पत्थर का पाषाण का नंदी भी रास्ता छोड़ देता। हमने लंकाधीरपति रावण के इस पावन चरित्र को भी श्रवण किया कि वो शिव की भक्ति को प्राप्त कर लेता। शंकर क्या नहीं दे देते, शिव क्या ना प्रदान कर देते, बस हम सुख की कामना में घर बदल कर देख लेते हैं, हम सुख की कामना में अपनी दुकान बदल कर देख लेते हैं, हम सुख की कामना में अपना व्यापार बदल कर देख लेते हैं, हम सुख की कामना में अपने वस्त्र बदल कर देख लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है सुख की कामना में घर बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया, वस्त्र बदल कर देख लिए, दुकान बदल कर देख ली, अब एक बार सुख की कामना के लिए अपना दिल चित्त बदल कर देखना, सुख अपने आप मिल जाएगा।
ये मकान नहीं फल रहा, हमने मकान चेंज कर दिया। ये दुकान नहीं फल रही, हमने दुकान चेंज कर दी। ये व्यापार नहीं फल रहा, हमने व्यापार चेंज कर दिया। हम सब कुछ बदल कर देख लिए, तो एक बार अपना मन भी तो बदलो कि आखिर हमारे भीतर ऐसी क्या आसक्ति है, हमारे भीतर ऐसी कौन सी तृष्णा है, हमारे भीतर ऐसा कौन सा लोभ क्या समा गया है जिसके कारण हम भगवान के पास नहीं जा पा रहे। जब हमारे भीतर से हमारे चित्त को हम बदलेंगे, हमारे मन को हम बदलेंगे, हमारी बुद्धि को, हमारे चिदानंद को हम बदलेंगे, हमारे मन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करेंगे, भगवान से दुनिया के लोग सब शिकायत करते हैं, पर आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भगवान से एक शिकायत करी हो कि तूने मुझे बुद्धि कम दी है। तुम्हारे यहां कोई मिला हो तो बता देना ऐसा, जिसने कभी भगवान के सामने जाकर कहा हो कि तूने मुझे बुद्धि कम दी है। दुनिया के लोग शिकायत करते हैं भगवान से, तूने मुझे गाड़ी नहीं दी, तूने मुझे बंगला नहीं दिया, तूने मुझे बेटा नहीं दिया, तूने मुझे बेटी नहीं दी, तूने मुझे शादी नहीं करी, मेरी पत्नी नहीं आई, मेरा पति नहीं मिला, मुझे मकान नहीं दिया, मुझे सरकारी नौकरी नहीं दी, मुझे गवर्नमेंट का जॉब नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे जमीन नहीं दी, मुझे जायदाद नहीं दी। दुनिया के लोग भगवान से शिकायत करते हैं कि तूने मुझे ये नहीं दिया। आज तक ऐसा शिकायत करने वाला पूरी दुनिया में नहीं मिला जिसने भगवान से कहा हो कि तूने मुझे बुद्धि कम दी, क्योंकि सब अपने आप को श्रेष्ठ बुद्धि वाला मानते हैं, कोई अपने को बुद्धि में कमजोर नहीं मानता। एक श्रेष्ठता आप में है कि आप अपने आप को बुद्धि में कमजोर नहीं मानते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर भगवान की भक्ति में कमजोर कैसे हो सकते हो, उसके भजन में कमजोर कैसे हो सकते हो। आप उसके अनुमोदन में, उसके निवेदन में, उसकी श्रद्धा में अपने कमी कैसे ला सकते हो, उसके विश्वास में अपनी कमी कैसे ला सकते हो। हम अपने भरोसे को प्रबल क्यों नहीं बना पाते। जिस दिन हमारा भरोसा, हम हमारी दृढ़ता परमात्मा के भरोसे पर छोड़ देते हैं, वो कहते हैं ना दो तरह के लोग होते हैं, कोई ईश्वर के लिए भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता, दो तरह के लोग होते हैं जो एक भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है और दूसरा वो जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता। अब दोनों का नाम आप बोलिएगा, पहला कौन व्यक्ति कौन है, दो तरह के लोग है, पहला कौन सा जो भगवान के लिए, बोलो जम के बोलो, सब कुछ छोड़ दे। कई लोग कहते हैं हमने घर छोड़ दिया, हमने ये परिवार छोड़ दिया, हमने रिश्ते छोड़ दिए, भगवान के लिए हमने अपना मकान छोड़ दिया, भगवान के लिए हम जंगल में जाकर बैठ गए, भगवान के लिए हमने वानप्रस्थ धारण कर लिया, भगवान के लिए हमने भोजन छोड़ दिया, भगवान के लिए हमने खाना पीना छोड़ दिया, भगवान के लिए हमने सब सुख छोड़ दिया। कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान के लिए ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, और दूसरा वो होता है जो ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देता है। इसमें सबसे प्रबल कौन सा है, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, चलो बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, तिलदा नेवरा वाले, बोलो जरा दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। पहला है भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना, और दूसरा है भगवान पर सब कुछ छोड़ देना। अब आपके हिसाब से श्रेष्ठ कौन सा है, पहला कि दूसरा? दूसरा। बस आपके लिए ताली बजा लो कि आज आपने श्रेष्ठता का निर्णय लिया, ये आपके लिए है। शिव महापुराण की कथा कहती है हम भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिए, छोड़ने के बाद भी हम जंगल में जाकर बैठ गए,
वन में जाकर बैठ गए, गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए, और उसके बाद भी माँ बैठने के बाद भले तुमने छोड़ दिया, उसके बाद भी तुम्हारा मन घर की याद कर रहा है, परिवार याद आ रहा है, मेरी बहू ना जाने कैसी होगी, मेरा पोता ना जाने कैसा होगा, मेरा बेटा ना जाने कैसा होगा, तो फिर भगवान के लिए तुम छोड़े तो फायदा कौन सा हुआ। हमने पहले भी कथा में कहा, संत बनना सरल, साधु बनना सरल, तपस्वी बनना सरल, सन्यासी बनना सरल, गंगा जी के घाट पर बैठकर तप करना सरल, नर्मदा जी के तट पर बैठकर भगवान की भक्ति करना सरल, यमुना जी के घाट पर रहकर भजन करना सरल, सरयू के घाट पर बैठकर तप करना सरल, पर सबसे ज्यादा कठिन है घर में रहकर, परिवार में रहकर उनका भरण पोषण करते हुए भगवान का भजन करना, यह कठिन है, यह दुनिया का सबसे कठिन काम है। हमने कभी नहीं कहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, कथा में आकर बैठ जाओ। हमने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारी दुकान बंद कर दो, कथा में आकर बैठ जाओ। आज तक इस व्यासपीठ ने यह नहीं कहा कि तुम तुम्हारा परिवार छोड़ दो, कथा में आकर बैठ जाओ। यह व्यासपीठ हमेशा कहती रही, अपनी नौकरी करो, अपनी चाकरी करो, अपना व्यापार करो, अपना व्यवसाय करो, पर उस व्यापार को, उस व्यवसाय को, उस नौकरी के साथ में इतना सा समय जरूर निकालना कि तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, तुम्हारे मुख से राम नाम कृष्ण नाम निकल जाए, तुम्हारे मुख से भगवान का भजन निकल जाए। क्यों? नौकरी करते, व्यापार करते, तनख्वाह लाते, तुम जितनी कमाई करोगे अपनी बीवी और बच्चों के लिए करोगे, तुम जितना कमाओगे अपने परिवार के लिए कमाओगे, तुम जितनी मेहनत करोगे अपने परिवार के लिए करोगे, अपने परिवार को देने का प्रयास करोगे, और तुमने जो बीमा इकट्ठा करा है, पैसे जोड़ जोड़ कर जो तुमने इकट्ठा करा बीमा, तुम्हारे मरने के बाद भी मिलेगा तो तुम्हारे परिवार को मिलेगा, पर तुम नौकरी करते करते, काम करते करते जो तुमने भजन कर लिया, काम करते करते जो तुमने मंत्र जाप कर लिया, काम करते करते तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, काम करते करते तुम भगवान का भजन कर लिए, तो वो तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ में जाने वाला है, अंत समय तक तुम्हारा साथ निभाने वाला है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही, आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी, हमने कहा था जब तुम्हारा व्यापार अच्छा चले ना, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले ना, तो पत्नी के जेवर बनवा दो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, तो थोड़ी जमीन खरीद लो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, तो थोड़ा बच्चों के लिए अच्छा कर दो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, तो एक दो प्लाट लेकर पटक दो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी ये हम जब ये बात बोलते हैं ना, तो कई लोग हमसे नफरत करते हैं कि बताओ, इनको तो कहना चाहिए कि सब छोड़ दो, उल्टा ये कहते हैं और खरीद लो। ये सियोर वाला महाराज तो पगला है पूरा। हमारे लोग विरोधी हो जाते हैं इस चक्कर में कि ये उल्टी कथा वास्ता। हमारा निवेदन है, जब तक तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, पत्नी के जेवर बनवाओ, बच्चों की एजुकेशन कराओ, अच्छे कपड़े दिलाओ, प्लाट खरीद लो, जमीन खरीद लो, मकान बना लो, चलती हुई नौकरी में, चलते हुए व्यापार में तुम अपने परिवार के लिए सब कुछ करो, पर इतना याद रखना, जैसे चलती हुई नौकरी में जेवर बनाओगे चल जाएगा, चलती हुई नौकरी में, चलते हुए व्यापार में जमीन खरीद तो पैसा दिला जाएगा, उसी तरह इस चलती हुई श्वास में भगवान का भजन कर लोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। चलते चलते चलने दो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा वो भी कभी ना। चलती नौकरी में दुकान, चलती नौकरी में व्यापार, चलती नौकरी में जमीन जायदाद सब करो, तो हाथ पैर चल रहे हैं तब तक भगवान का भजन भी करो, शरीर चल रहा है तब तक भगवान का भजन भी करो, शरीर चले तब तक कथा में जाओ, शरीर चले तब तक तीर्थ में जाओ, शरीर चले तब तक भगवान के दरवाजे जाओ। और बहुत याद रखना, दो चीज़ें स्मरण में रखें, तुम्हारी तुम्हारे घर में चले तब तक सारे दान पुण्य कर लो, और जब तक शरीर चले तब तक कथा सुन लो।
तब तक तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ, शरीर चले तब तक इस शरीर का सदुपयोग करो, शरीर चले इस शरीर का सदुपयोग करिए, इस शरीर को गलत जगह पर मत भेजो, इस शरीर को गलत व्यसन में मत ले जाओ, इस शरीर को गलत जगह पर लेकर मत जाओ। कहां मदिरा पान में, कहां मांसाहार में, कहां वेश्यावृत्ति में, कहां जुए में, कहां चरस में, कहां अफीम में, कहां गांजे में, कहां इस शरीर को लेकर जा रहे हो, कहां इस शरीर को पहुंचा रहे हो। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को और इस हेलो जिंदगी रायपुर पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने एक पहल कर रखी है नशा मुक्ति के लिए, नशे की रोक के लिए। प्रेरणा देते हैं ये, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि केवल छत्तीसगढ़ रायपुर की पुलिस को देखकर पूरे भारत देश की पुलिस को ही अपनाना चाहिए कि पुलिस का कर्म करते करते भी एक नशा मुक्ति का एक अलग लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, जिससे भारत की भूमि की माताएं स्वतंत्र रूप से आनंद के साथ अपने घर में रह सके। हम अपने शरीर को कहां ले जा रहे हैं, हम अपने शरीर को किस जगह लेकर जा रहे हैं, हम अपने शरीर को किस स्थान पर लेकर जा रहे हैं। और केवल ये छत्तीसगढ़ पुलिस का फर्ज नहीं, रायपुर पुलिस का फर्ज नहीं, आपका भी फर्ज है कि आप व्यसन करने वालों को रोक सकते हैं और उनको सतमार्ग की ओर लेकर जा सकते हैं, ये अपना भी फर्ज है। एक बार रायपुर छत्तीसगढ़ की इस पुलिस प्रशासन के लिए जिन्होंने हेलो जिंदगी का एक आनंद लेते हुए संपूर्ण क्षेत्र में अपने नशा से लोगों को दूर करने का प्रयास किया है, दूर करते मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुता रखिए। अपने चित्त को बदलने का प्रयास करिए, अपने मन को बदलने का प्रयास करिए, अपने भाव को बदलने का प्रयास। ये नहीं कि हम संत बन गए, साधु बन गए, तपस्वी बन गए, साधक बन गए, उपासक बन गए, फिर वही वाली बात आ गई कि दो तरह के व्यक्ति हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक ईश्वर के लिए, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, और दूसरा वो होता है जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है।